नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड ओपीडिया। ना ये जो खबर है उसको सुन के मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ और शॉक के साथ साथ खुश भी हूँ। ना खबर ये है कि इंडिया जो है वो यूरोप का लार्जेस्ट रिफाइंड ऑयल सप्लायर बन गया है सऊदी अरेबिया को बीट करके। पर अभी आप सोच रहे होंगे कि ऑयल सप्लायर, हम खुद ऑयल मंगाते हैं दूसरे कंट्रीज से, हम तो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टर हैं। जी हाँ, पर आप जो सोच रहे हैं वो सही है। तो यहाँ पर बात हो रही है रिफाइंड ऑयल की, ठीक है। जो हम ऑयल मंगाते हैं वो होता है क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल को जो है बहुत सारी रिफाइनरीज में रिफाइन करने के बाद उसके बाद उसके कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जिनको हम जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया और केरोसिन हो गया, ये सब क्रूड ऑयल से बनाए जाते हैं। तो जो रिफाइन ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया में बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं। जो मुकेश अंबानी का पूरा बिजनेस है उसमें से एक बड़ा पार्ट जो है वो रिफाइनरीज का है। तो वो जो बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं वो इतना ज़्यादा ऑयल रिफाइन कर रही हैं कि वो अब यूरोप तक एक्सपोर्ट कर दे रही हैं। ना यूरोप को मंगाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो यूरोप का जो ट्रेडिशनल सप्लायर था रशिया, वो रशिया पर तो सैंक्शन लगा चुके हैं और रशिया से अभी खरीद नहीं रहे, तो वो अभी उनका जो ध्यान है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया और इंडिया इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी कमा रहा है। ना आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, हम क्रूड ऑयल तो मंगाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम क्रूड ऑयल मंगा किससे रहे? तो इसका आंसर है रशिया। रशिया से हम क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं सबसे ज़्यादा, और वो भी जो प्राइस कैप लगा दिया गया वेस्टर्न कंट्रीज़ का $60 का, उसके बावजूद हम रशिया से रिकॉर्ड अमाउंट में तेल मंगा रहे हैं और रशिया हमको डिस्काउंट भी दे रहा है। तो हम इधर से रशिया से अपनी डिस्काउंट लेके अपनी भी ज़रूरतें पूरे कर रहे हैं और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके हम एक मेजर चंक पैसा भी कमा रहे हैं। ना आप सोचेंगे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट आखिर हम कितना एक्सपोर्ट कर देते होंगे? तो फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ, आप जान के ये शॉक हो जाएंगे कि हम बहुत ही बड़ा अमाउंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं। लगभग पिछले फाइनेंशियल ईयर में $94.5 बिलियन के पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमने एक्सपोर्ट किए थे। वन ऑफ द टॉप जो एक्सपोर्ट्स होता है इंडिया का वो होता है पेट्रोलियम एक्सपोर्ट। नाउ अब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे कि यार लेकिन यूरोप खरीद कैसे सकता है? वो लोग तो बहुत ही आइडियल वाले हैं कि हम रशिया पर सैंक्शन लगाएंगे, हम उससे तेल नहीं लेंगे और ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एटसेट्रा बात करते हैं। देखिए, फॉरेन पॉलिसी में कोई किसी का मित्र, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। जो एक चीज़ मैटर करती है वो होती है अपने कंट्री का इंटरेस्ट, और आजकल जो यूरोप की सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। यूरोप रिसेशन में जाने वाला है, बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं यूरोप की उनकी GDP ग्रोथ बहुत ही स्लो है और जो इकोनॉमिक रिसेशन आने का खतरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो रशिया से पहले तेल लेते थे उस पर उनकी इंडस्ट्री काम करती थी, अब उन्होंने सैंक्शन लगा दिया है, तेल उतने आसानी से मिल नहीं रहा, और जो वॉर के कारण है सिचुएशन, इन्वेस्टर्स का भरोसा उठा हुआ है, तो इससे जो है उनकी इकोनॉमी को बहुत ही डेंजर में जाने का खतरा है। नाउ इसका फ़ायदा इंडिया को हो रहा है कि इंडिया को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने का मौका मिल रहा है। ना अब आप सोच रहे होंगे कि यूक्रेन जो है, जब इंडिया रशिया से तेल लेता था तो यूक्रेन कहता था कि इंडिया सही नहीं कर रहा है, इंडिया रशिया के वॉर को फंड कर रहा है और इंडिया जो है वो यूक्रेनियंस के ब्लड को खरीद रहा है। लेकिन अब यूक्रेन की बिल्कुल भी बोलती नहीं निकल रही है जब रशिया का ही रिफाइंड ऑयल यूरोप ले रहा है। तो इसका आंसर सिंपल है, एक तो यूरोप यूक्रेन की मदद कर रहा है और दूसरा कि यूक्रेन बोलेगा किस मुँह से। अभी कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी कि यूक्रेन खुद ही रशिया का ऑयल परचेज कर रहा है। जी हाँ, यूक्रेन खुद रशिया का ऑयल परचेज कर रहा है। ना आप कहेंगे कि नहीं, ये खबर तो सच नहीं हो सकती। तो मैं आपको बता दूं कि ये खबर कहीं ऐसे वैसे सोर्सेस से नहीं आई है। एक बहुत ही रेनोन्ड USA के जर्नलिस्ट हैं जो कि जिन्होंने पुलित्जर प्राइज़ भी जीता हुआ है, उनका नाम है सेमर हर्श। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये खुलासा किया था कि जो यूक्रेन है वो खुद रशिया का ऑयल बाई कर रहा है। ना मुझे पता है आपको ये सुन के बहुत ही शॉक लगा होगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉरेन पॉलिसी में जो होता है, कोई किसी का दोस्त कुछ का दुश्मन नहीं होता। जहाँ से आपके कंट्री को फ़ायदा मिल रहा होता है, हर कंट्री अपना फ़ायदा देखती है और उस फायदे को देख के उस हिसाब से काम करती है। ना आप और जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है ये आगे भी और फर्दर बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि जो इंडिया रशिया है वो अभी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है इंडिया रशिया का, तो इंडिया और भी ज़्यादा आसानी से रशिया से ऑयल मंगा लेगा और मंगाने के बाद उसको रिफाइन करके और एक्सपोर्ट कर सकता है। यहाँ तक कि अमेरिका भी जो इंडिया का रिफाइंड ऑयल है वो मंगाता है, और अब जो धीरे धीरे अमेरिका ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि हम रशिया के ऑयल पे कैप नहीं लगा सकते, उसको रोक नहीं सकते, हम जिसको लेना होगा वो लेगा ही। ना आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।